चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मंकी ऑफ मास 20 केजी इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 केजी इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट बट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड 25 केजी। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच द मंकी कैन क्लाइंब अप अलोंग द रोप? देखो सबसे पहली बात, एक रोप है मान लो, उस पर 25 केजी का मास हैंग किया गया है, तो m इंटू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी की वैल्यू अगर 10 कंसिडर कर लें तो जो ग्रेविटी जो फोर्स लगाएगी इस 25 केजी के मास पे, तो 25 इंटू 10 यानी 250 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, यानी थ्रेड में टेंशन भी कितना मैक्सिमम हो सकता है, 250 न्यूटन का फोर्स इस थ्रेड पे लग सकता है, इस रोप पे लग सकता है। अब इस रोप पे अगर मंकी है, मान लो ये मंकी है जिसका मास m है, m की वैल्यू 20 किलोग्राम है, और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो स्मॉल mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा, इसका मास और अर्थ की ग्रेविटी, और क्योंकि a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा। ठीक है, पॉइंट याद करो सूडो फोर्स का, तो सूडो फोर्स अगर नीचे लगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, m इंटू ए, तो नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स और सूडो फोर्स दोनों, तो नेट फोर्स f नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस सूडो फोर्स, तो दोनों का सम कितना होगा, m इंटू जी प्लस m इंटू ए, m कॉमन ले लो, g प्लस a, m की वैल्यू है 20, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू आपको निकालना है, तो जो नेट फोर्स होगा वो मैक्सिमम टेंशन के इक्वल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू कितनी है, 250, तो यानी 250 न्यूटन इज इक्वल टू 20 इंटू 10 प्लस ए, जीरो से जीरो कटेगा, इसको क्या ले सकते हैं, ए प्लस 10 इज इक्वल टू 25, 25 बाई 2, यानी ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 12.5, ये होगा 12.5, देखो इसको इधर लिख दे रहे, ए प्लस 10 इज इक्वल टू, ये मेरे पीछे आ जा रहा है 12.5, ए इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, करेक्ट है, याद रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ, कौन सा 2.5, सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।